नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा से प्रभावित हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास स्पष्ट नजरिया है और मैं उनकी ऊर्जा से काफी प्रभावित हूँ। अपने भारत दौरे से पहले इंडिया टुडे को दिए एक साक्षात्कार में ओबामा ने मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बनकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बिहार की आरा कोर्ट में बम धमाका, 2 लोगों की मौत, 16 अन्य घायल। बिहार में आरा कोर्ट परिसर में आज हुए बम धमाके में पुलिस के एक जवान और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। पटना में अपर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि यह धमाका करीब 11:30 बजे उस समय हुआ जब स्थानीय कारागार से विचाराधीन कैदियों को एक वैन से अदालत पेशी के लिए लाया गया था। कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया सुरक्षा के साथ घातक समझौता, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर देश की संपदा को लेकर घातक समझौते किए, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आखिरकार आपको संपदा तैयार करनी होती है, ये संपदा 20-30 साल में तैयार हुई। दुखद है कि ऐसे कुछ प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संपदा को लेकर समझौते किए। बहुत व्यस्त होगी बराक ओबामा की भारत यात्रा। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत यात्रा का कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त होगा। रविवार को शुरू हो रही उनकी 3 दिन की यात्रा में राजनीति से लेकर आर्थिक और अकादमिक आयोजन शामिल होंगे। ओबामा पत्नी मिशेल और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 25 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में उनका स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए घर पर रहो और टीवी देखो। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्वाइन फ्लू के प्रसार को रोकने का सबसे आसान तरीका घर पर रहना और टीवी देखना हो सकता है। एक नए अध्ययन का निष्कर्ष है कि घर में रहने और टीवी देखने जैसे सरल उपाय स्वाइन फ्लू से बचने में मदद कर सकते हैं। इन प्रयासों में हाथ धोना और बीमार व्यक्तियों के साथ कम से कम संपर्क में आना भी शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।